आप प्रदेश में पूरे 5 साल देखोगे बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, उसी के विरोध में विद्यार्थी परिषद ने न्याय पद यात्रा निकाली थी, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं हुआ। अभी आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन आप देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थित लोगों ने एक दलित बहन के साथ बलात्कार किया है। कांग्रेस की यह दलित विरोधी मानसिकता युवाओं के प्रति, आप देखोगे राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बंद करवाए, अभी गहलोत सरकार वोट मांगने के लिए घूम रही है। मैं युवाओं से और माता बहनों से विशेष अपील करता हूं कि ऐसी सरकार को बिल्कुल वोट ना दे। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आए दिन बलात्कार की आप देख रहे हो घटनाएं घटती जा रही है, उसको लेकर एबीपी मैदान में आई है और महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए एबीपी निरंतर प्रयास करती है, परंतु राजस्थान सरकार जो भी घटनाएं होती है उसमें कोई एक्शन लेती नहीं है। तो आए दिन बलात्कारियों की संख्या बढ़ती जा रही है और आप देखेंगे तो राजस्थान बलात्कारियों की और इस सभी चीज़ों की घटनाओं में नंबर वन आता जा रहा है। उसके लिए ही हमने आज राजस्थान विश्वविद्यालय में शांतिपूर्वक धरना किया, परंतु इसी प्रकार अगर ऐसे घटनाएं बढ़ती जाएगी तो हम हमारी सुरक्षा का प्रावधान और करेंगे और हमारी राजस्थान की महिलाओं की और बेटियों की सुरक्षा के लिए आगे प्रदर्शन निरंतर जारी रखेंगे। धन्यवाद। अनिकेत शर्मा, राजस्थान विश्वविद्यालय।